हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ प्राजक्ता शिंदे। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आज आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मुंबई से हूँ, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, मेरी एज 29 है और मेरा एजुकेशन और स्कूल और सारी चीज़ें मेरी मुंबई में ही हुई है। बचपन में मुझे एक्चुअली एक्टिंग बहुत शौक़ था, एक्टिंग करना, डांस करना मुझे बहुत शौक़ था और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है माधुरी मैम है, तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती है किस तरीके से अदाएँ करती है, किस तरीके से काम करती है, उनकी जो फेस एक्सप्रेशन वो देखते ही मुझे तभी मुझे लगा कि मैं भी उन्हीं की तरह एक्टिंग करूँ, फेम हो जाऊँ, सब मुझे देखे। तो बस तब से मुझे लगा कि मुझे करना है तो एक्टिंग ही करनी है बस। और इस मैं जब मुझे लगा कि मैं एक्टिंग बन सकती हूँ तो मेरे मॉम डैड को जब मैंने कहा कि मैं मुझे एक्टिंग करनी है तो उस टाइम पे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। पर धीरे धीरे मैंने जब एक्सपीरियंस के लिए मैंने साइड रोल करना शुरू किया था कैमरा फेसिंग करने के लिए, तो मैंने बालाजी प्रोडक्शन पे भी मैंने काम किए थे, तो कुछ कुछ सीन में मैं टीवी पे जब देखने लगी तो मॉम डैड भी खुश होने लगे कि हाँ बेटा तुम करो क्योंकि अच्छा कर रही हो तुम। तब से फिर मॉम डैड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फिर बाद में सबसे पहली बार जब मैं लीड करने लगी, मतलब सबसे मेरा पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम था जो उसमें मैं लीड परफॉर्म किया, वो सबसे पहले मेरा वीडियो एल्बम का नाम है प्यार होता जा रहा है, टी सीरीज ने लॉन्च किया था। और देन सेकेंड हाथों में हाथ, डायरेक्टर असलम खान इन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उसके बाद जो मेरी जर्नी हुई, बहुत सारी चीज़ें मैंने काम किया, मैंने फिर मैंने उपी रूपी एक फिल्म थी जो कन्नड़ा, उसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया था, बट वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई अभी तक। बट उसके बाद फिर मैंने मुझे जो फर्स्ट फिल्म मिली, जो मुझे पुरुषा फिल्म मिली, जो उसमें मुझे एक डेब्यू अवार्ड भी मिला अंकुश चौधरी के हस्ते, तो मेरे लिए बहुत, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी उस टाइम पे और मैं सही में बहुत अच्छी जर्नी चल रही थी मेरी। उसके बाद फिर मैंने जो काम किया, फिर तुझात्मी मूवी मिली मुझे 2018 में, हमने शूट कंप्लीट किया। फिर मैंने ईमेल फीमेल मेरी मूवी आई थी 2020 पे। ऐसे मैंने बैक टू बैक फिल्में मैंने शूट्स किए थे, बट क्या हुआ उस टाइम पे मेरा कोविड आ गया, कोविड में मेरी सारी फिल्में रद्द हो गई थी, थिएटर में रिलीज़ नहीं हो रही थी। तो बस मेरी ऐसी शुरुआत है, जर्नी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। मैंने मराठी में म्यूज़िक वीडियो एल्बम भी किए हुए हैं, मैंने काफ़ी सारे फिल्मों में मैंने काम किया है। अभी जो मेरी नेक्स्ट मूवी जो आ रही है तुझात्मी, वो थिएटर में रिलीज़ होने जा रही है 21 जुलाई को। बस ऐसी मेरी जर्नी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने ऐसे काफ़ी सारे काम कर चुकी हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आते जाते रहे बस मेरा। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।